जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी औरत को अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वशीकरण का टोटका आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस मंत्र को, इस वशीकरण को अपनाते हैं, तो आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और वो औरत जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके वश में हो जाएगी। तो आइए बताती हूँ कि वो विधि क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये विधि बताऊं, इस टोटके के बारे में बताऊं, दोस्तों एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर ये टोटका आप किसी पर आजमाते हैं तो किसी भी गलत नियत के साथ ना आजमाएं। हमेशा एक सही मंशा रखें, एक सही विचार धारण के साथ आप इस टोटके को अपनाएं। तो चलिए उस सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिसकी आवश्यकता इस वशीकरण में आपको होगी, और वो सामग्री एकमात्र कागज है। जी हाँ, एकमात्र कागज की मदद से किस तरह से आप किसी औरत को अपने वश में कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमें चाहिए एक कागज और साथ ही हमें चाहिए एक मार्कर। इस कागज और मार्कर की मदद से आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। किस तरह? एक मंत्र के उच्चारण से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कागज लेना है और उस पर उस औरत का नाम लिखना है जिससे आप वश में करना चाहते हैं, जिससे आप संभोग करना चाहते हैं। तो इस कागज पर सबसे पहले हम उस औरत का नाम लिखेंगे। और हाँ, एक बात का आपको खास ख्याल रखना है दोस्तों कि कागज आपको छोटा ही लेना है, क्योंकि ये कागज जो है ये बाद में चलकर, यानी कि आगे जाकर इस कागज को हमें जला देना है, तो इसकी राख ज्यादा ना हो इसलिए कागज छोटा ही लेना है। तो इस तरह कागज को फोल्ड करेंगे और कलावे से इसे बांध लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र भी जिसका उच्चारण करना है आपको। उस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है तो महिला जो है वो आपके वश में हो जाएगी, वो पूर्ण तरह से आपके वश में हो जाएगी और पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सिद्ध मंत्र क्या है। वो सिद्ध मंत्र है ओम कामदेवाय विदहे रति क्रियाय धीमहि तनु अनंग प्रचोदयात। जी हाँ, तो इस तरह आपको कागज हाथ में लेना है और उस मंत्र का उच्चारण करना है और उस महिला का ध्यान कर जिसे आप वश में करना चाहते हैं ये मंत्र पढ़ना है। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको मंत्र पढ़कर बता देती हूँ। मंत्र है ओम कामदेवाय विदहे रति क्रियाय धीमहि तनु अनंग प्रचोदयात। तो इस तरह आपको 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद ये जो कागज है आपको 3 घंटे के लिए, एकमात्र 3 घंटे के लिए आपको इस कागज को किसी सुरक्षित स्थान पर, मतलब एक साफ सुथरे स्थान पर जहां मांस मदरा या किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना होता हो, उस जगह पे आप रख दें। जैसे कि आपको बता देती हूँ, आप मंदिर में, मंदिर बहुत ही एक पवित्र जगह मानी जाती है, एक पवित्र स्थल माना जाता है, तो मंदिर में आप इसको रख सकते हैं। तो आप इसे मंदिर में रखिए और 3 घंटे बाद इसे मंदिर से निकाल के इस कागज को आपको जला देना है। जी हाँ, 3 घंटे बाद आपको इस कागज को निकाल कर मंदिर से जला कर इसकी जो राख है, जो इस कागज की राख बनेगी, उस राख को आपको बहते हुए जल में बहा देना है, जिस तरह आपकी ये जो कागज की राख है बहते जल में प्रवाह हो जाएगी, वैसे ही वो महिला आपकी ओर खींची चली आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधि उस प्रकार करनी है जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, सही तरीके से उसी हिसाब से आप विधि करिए, सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करिए और उस महिला को अपना बनाइए। तो दर्शकों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं, गुरुजी आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता दी।